24 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च यानी आज होली के दिन शुरू हो चुका है। ज्योतिषों की माने तो लगभग 100 साल बाद होली के दिन ये चंद्र ग्रहण लगा है। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। ज्योतिषों के अनुसार ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और चंद्र ग्रहण से रंगों का त्योहार होली कितना प्रभावित होगा। होली पर लगने वाला ये चंद्र ग्रहण सोमवार 25 मार्च को सुबह 10:23 पर शुरू हो चुका है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:02 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण अपनी पूर्णता पर दोपहर 12:42 पर होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 4:36 की रहने वाली है। होली पर लग रहा ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्वी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, प्रशांत अटलांटिक और आर्टिक महासागर जैसी जगहों से दिखाई पड़ेगा। सामान्यतः चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और इसमें बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होता है, लेकिन ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसमें किसी तरह के नियम लागू नहीं होते हैं। इसमें ना तो मंदिर के कपाट बंद होंगे और ना ही पूजा पाठ या दैनिक जीवन के कार्यों में किसी तरह की रोक टोक रहेगी। चूंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें किसी भी सावधानी का पालन नहीं किया जाता है और ना ही ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण में होली का पर्व बिना किसी अवरोध के मनाया जा सकता है। आप चाहें तो इस ग्रहण के दौरान मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान और दान करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। 25 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। दरअसल कोई भी चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र मालियन कहते हैं। इसमें चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश कर वहीं से बाहर हो जाता है और तब उसका स्वरूप धुंधला दिखाई पड़ता है। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल पर नजर डालें तो मीन और कन्या राशि के साथ सूर्य, बुध, राहु, चंद्र और केतु का संबंध बन जाएगा। ये स्थिति आर्थिक समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रही है। इसमें मंगल का संबंध युद्ध और वैश्विक विवाद भी दर्शा रहा है। ऐसे में दुर्घटनाओं के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा धन के निवेश में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें। क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण ना करें, साथ ही पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा हावी रहती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। ग्रहण की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध